कभी कभी सोचता हूँ कि संडे का दिन है और आज पूरा दबा के सोएंगे, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि आदत सी होगी सुबह उठने का। 6:30-6 बजे तक तो मैं उठ ही जाता हूँ, ज़्यादा देर होता तो 7 बजे तक बस, उसके बाद तो मैं बेड पे नहीं रह सकता हूँ। सो अभी संडे है आज, जैसे आप लोग को मैं बता ही रहा हूँ। सो वीडियो को शुरुआत इधर से करते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस शो वी एंड यू गाइस आर वाचिंग एसएम ब्लॉग्स। और संडे है मतलब दोस्त लोग घर पे है, दोस्त लोग घर पे है और मैं वीडियो ना बनाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सो आज बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, मेरा एक दोस्त का आइडिया है। सो उसका आइडिया अच्छा भी है और हम लोग के लिए तो पहली बार है। देखो हम लोग ने थाम लिया कि हर संडे एक अलग अलग डिश ट्राई करेंगे, क्योंकि दोस्त लोग घर पे रहता है और खुद बना के ट्राई करेंगे। खुद बना के ट्राई करने में होता है या नहीं होता उसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन बनाने में जो मज़ा आता है ना भाई, वो बढ़िया मज़ा आता है। और एक चीज़ है कि जब भी मैं इधर से ब्लॉग शुरू करता हूँ तो प्लीज़ आप लोग पीछे वाला बैकग्राउंड को इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं बाहर जाके भी शूट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बाहर पूरा रोड है ना, तो उधर पे कार या बाइक कुछ भी चलता रहता है, उसका आवाज़ आता ही रहता है, तो इधर पे थोड़ा कम नॉइज़ आता है और इसलिए मैं करता हूँ। और बाकी आप लोग को मैं बता दूँ, मैं कल इंस्टा पे और फेसबुक पे कुछ स्टोरी डाला था तो बहुत सारे भाई ने पूछा था कि ये प्लेस कहाँ है, प्लेस कहाँ है। ये प्लेस आरामबाग में था, आरामबाग रिसोर्ट एंड वाटर पार्क बोल के आप लोग गूगल में भी चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया प्लेस था, हम लोग तो घूम के आया। लेकिन उसका वीडियो नहीं आएगा क्योंकि कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, लेकिन प्लेस बहुत अच्छा है, अगर आप लोग आरामबाग जा रहे हो तो जरूर से चेकआउट करने वाला जगह। तो देखते देखते आज थोड़ा जल्दी मुझे भूख लग गया, क्योंकि कल रात को मैं जल्दी खा लिया था, लगभग 10 बजे के आसपास ही खा लिया था और इसलिए सुबह सुबह भूख लग गया। तो आप लोग को बता ही देते हैं, आज हम लोग बना रहे हैं बैम्बू चिकन, या आपने सही सुना, बैम्बू चिकन बना रहे हम लोग। तो अभी पहले घर पे चलते, उसके बाद आगे सबको। 2 hours later बैम्बू चिकन का पहला स्टेप होगा। अब हम लोग जा रहे हैं बांस काटने, इसके बिना तो बैम्बू चिकन हो ही नहीं सकता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बैम्बू को काटने। सामने दिस इज बिजनेस ब्रो, बिजनेस मैंने खाचा हुआ हमारे ग्रुप का ऐसा बंदा है, लास्ट में हाथ लगा के बोलेगा पूरा काम मैंने किया। तो ये हम लोग का पहला स्टेप हो गया, बैम्बू पूरा जैसे आप लोग देख पा रहे दोस्त लोग ने पूरा साइज में ला दिया और ऐसा ऐसा छोटा छोटा है और ये सबके अंदर ऐसा ही है। सो अभी नेक्स्ट स्टेप होगा, चिकन लाने जाना पड़ेगा। ये देखो हर, सो ये 5 है, 1 किलो के जैसे चिकन है तो आराम से हो जाएगा इसमें। एज यूजुअल मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो थोड़ी जगह पे मैंने वीडियो शूट नहीं किया, तो मैं बता देता हूँ। सो अब मैं दोपहर में मतलब घर चला गया था, हम लोग सारा सामान वामान खरीद के दोस्त को दे दिया था। अब वो क्या क्या था, फ्रिज में मैरिनेट करके उसको 1 से 1.5 घंटा पहले रख दिया था। तो ये मैरिनेट कर लेंगे तो आप लोग के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। सो हो सके तो आप लोग पहले से मैरिनेट करके रख दीजिए, वो बेहतर होगा, और उसके बाद आगे आगे देखते हैं, बस यही बताना था आप लोग को। और यूजर पे ये लोग देखो चिकन को इसके अंदर घुसा रहा है। फाइनली चिकन बम्बू के अंदर जा चुका है और अभी बस आग लगाएंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे कैसा होता है। फर्स्ट टाइम है हम लोग का भी, पीछे पूरा रेडी हो रहा है, तो रेडी होने के बाद फिर दिखाते हैं आप लोग को। जा रहे क्या लाने, लकड़ी लाने जा रहे, क्योंकि आँच को जलाएंगे और उधर से होगा ना, तो थोड़ा लकड़ी इसके घर जलाते हैं, बाकी देखते हैं कैसे भी करके जलाते हैं। उसके बाद पूरा तो अभी सब कुछ मतलब हो गया, बस उसको आँच में घुसाएंगे और बाकी फाइनल किस्त आप लोग को बताएंगे।
दिखा दे तू कर सकता है अच्छे से मार। अभी आगे नहीं बिहार गिल तो गाइस ये दो अंदर चला गया और अभी भी इधर पे तीन है तो थोड़ा आग अच्छे से उसके बाद देंगे। अभी ये दो शुरुआत होता है जी। देखो ये भी थोड़ा थोड़ा पानी इधर से निकल रहा है, मतलब ये वाला अभी अच्छे से पकड़ लिया, अभी इसमें उस तरफ है, देखना पड़ेगा। फाइनली इधर से ऐसे ऐसे हो रहा है तो इसको आराम से घुमाते रहना अगर आप लोग घर में ट्राई कर रहे हो तो, और ऐसा एक बंदा जरूर रखना जो अच्छे से आंच को पकड़ा सके। गजब बेइज्जती है। ये तीन हो जाएगा, इसके बाद ये दो बाकी है। अभी आधा घंटे के ऊपर रखा है ना, आधा घंटे के ऊपर रखा है हम लोग। अभी इसको करने के बाद ही देखेंगे और कैसा हुआ है। अभी स्मेल बहुत ही बढ़िया आ रहा है, बाकी टेस्ट करके हम लोग को बताएंगे ठीक है। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से कैसा हुआ है, बाकी ओवरऑल स्मेल तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये सब पक जाए उसके बाद एक साथ ही खोलेंगे और चेक करेंगे। 2000 years later. So guys, finally पक गया और अभी मैगी भी बन रहा है। आज मैगी और मामू चिकन दोनों एक साथ दबाएंगे। Wait a minute. लेकिन चिकन अभी जगह रखा हुआ है, इसको खोलेंगे और दिखाएंगे आप लोग को। अभी सारे दोस्त भी आ चुके हैं। I hope टेस्ट अच्छा है। जैसे भी आएंगे आप लोग के साथ शेयर करेंगे, लेकिन जैसा स्मेल आया टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो लेट्स सी, देखते हैं उसको ओपन करते हैं, उसके बाद ही आप लोग को दिखाएंगे। हर बम्बू को हम लोग 30 मिनट तक आज में अच्छे से आज में रखा है। अभी 30 मिनट के बाद निकाला था, उसके बाद दूसरे वाला भी रखा है। तो अभी देखते हैं टेस्ट कैसा आता है। अच्छा टेस्ट है, थोड़ा नमक कम है लेकिन बॉयल बहुत अच्छा हुआ है और टेस्ट तो अलग सा, मतलब हम लोग मुझे भी नहीं चाहता इतना अच्छा टेस्ट है, बहुत बढ़िया टेस्ट है ना। तो अभी मैगी के साथ इसको हम लोग खाने वाला है और अभी ये प्लेट है, प्लेट हो गया सब लोग का और टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। इतना टाइम का मेहनत अभी रंग लाया, मतलब टेस्ट आया, तो सब मज़े से खा रहा है, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आया अभी। तो गाइस फाइनली पार्टी इधर पे ख़त्म हुआ, सब ठीक था लेकिन क्वांटिटी थोड़ा कम हो गया और हम लोग जानबूझ के कम किया, क्योंकि पहले ट्राई था ना
सो बिल्कुल बिगड़ जाने से मतलब पूरा टेस्ट ही बिगड़ जाता है। सो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो आप लोग से किसी ने पहले किया होगा तो कमेंट डाउन बिलो, और ये चीज़ पहले ट्राई किया होगा तो यू गाइस नो द ड्रिल। इफ यू लाइक माय वीडियो देन डू कमेंट माय वीडियो टू फ्रेंड्स एंड अदर्स। कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगली ब्लॉग पे, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम, बाय बाय। और अभी सब लोग खा लिया, अभी बस पेट अच्छे से भरा। मैगी होने से सही था, नहीं तो क्वांटिटी इतना छोटा हो गया था ना, कम हो गया था क्वांटिटी, इसलिए मैंने बोला चलो मैगी भी ऐड करो। और अब इन लोग का हालत कैमन 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 लग लो? बहुत ही बढ़िया लगा। कैमन लग लो खे? कैमन लग लो सुगे? कैमन लग से अमेजिंग अमेजिंग कैमन लग लो उस्मान प्रोसेक।